सुना है कि आजकल कोई काम ठीक से नहीं करती हो और पलट के जवाब अलग से देने लग गई हो। रिश्तों को गलतियां नहीं, गलत फहमियां कमजोर करती है, इसलिए कानों पर नहीं आंखों पर भरोसा करना सीखो। मैं काम करूँ या पूरा दिन तुमसे बात करता रहूँ? मैं तुमसे तुम्हारा पूरा दिन नहीं मांग रही, बस 2 मिनट में बात किया करो तो ढंग से किया करो। 2 मिनट का भी टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिर एक सवाल का जवाब दो मुझे। हाँ पूछो। जब 2 मिनट भी नहीं थे तुम्हारे पास तो पहले मुझे रोज 2 घंटे का वक्त देकर रिलेशनशिप में लाए क्यों? एक बार बोल दिया ना तुमसे, अब मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए। तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर सकते हो और मैं घर पे तुमसे सवाल भी नहीं कर सकती। एक सवाल था तुमसे, किसी को जीते जी मार देने को लोग रिश्ते का नाम क्यों देते हैं? दुखी जाने प्यार मेरा। आई एम सॉरी, कल गुस्से में था तो कुछ ज्यादा ही डांट दिया मैंने आपको। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई। आपकी गलती हमेशा मुझ पे ही क्यों होती है? आपके घर में और भी तो लोग हैं, आपकी मम्मी पापा भाई बहन, आप उन्हें तो कभी कुछ नहीं कहते। सुनो, आप मुझे कुछ नहीं मानते हो इसलिए हर दूसरे दिन आप मेरी बेइज्जती कर देते हो। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। तो तुम बोल रही हो अगर मैं तुमसे मेरी शादी करवा दी? नसीब खराब तो हम लड़कियों का है जो लौटकर अपने घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि एक बूढ़े बाप ने अपनी उम्र की सारी कमाई लगाकर हमको विदा किया था। तू सब जानदा। गलतियां तो बेटी और बहू दोनों ही करती हैं, पर बेटियों की छुपा ली जाती है और बहू की गिना दी जाती है। लवारिस है प्यार तेरा, घर बार काई ने। तुम मुझे कहते हो ना कि मुझे ही तुम्हारे घर वालों से बात करनी पड़ेगी, चाहे वो मुझे ठीक से जवाब दे या ना दे, पर मेरी मम्मी तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, फिर तुम उनसे ठीक से बात क्यों नहीं करते? हर गलती माफ करी मैंने तुम्हारी और तुम्हें हर बार मौका दिया, पर उम्मीद भी उससे करी मैंने जिसने मुझे हर बार धोखा दिया। हो धोखेबाजों में रह रह के धोखेबाज बन गए। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन क्या करूँ, अगर तुम्हारी साइड लूंगा तो घर में सब सोचेंगे कि मैं अपनी पत्नी की तरफदारी करता हूँ। एक पत्नी को उसके ससुराल में सब तब तक परेशान कर सकते हैं जब तक उसका पति उसकी खुद इज्जत ना करता हो, उसकी परेशानी ना समझता हो। तुम चाहती हो कि मैं पूरा वक्त तुम्हीं को दे दूं, पूरा दिन तुम्हारी गोदी में सर रख के बैठा रहूं बस। पता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि शादी से पहले फिजिकल अट्रैक्शन के कारण तुमको लगता था कि मैं हमेशा तुम्हारा पास पास रहूं, पर वो दुनिया अभी मिट गई है तो तुमको अभी स्पेस चाहिए। और ये तुम्हारा अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर आदमी का प्रॉब्लम है। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। कल ही मैंने 2000 रुपए रखे थे वॉलेट में, कहाँ गए? मुझे तो नहीं पता। तो घर में से कहाँ जा सकते हैं? दुख इस बात का है, मेरे तो अपने ही परायों वाली हरकतें करते हैं। करोगे जे करोगे जे दगा करोगे। क्या बदल गया हूँ लगा रखा है? क्या मैं टाइम नहीं देता हूँ रिलेशनशिप में? जब तुम मुझसे बात करते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम मुझ पे एहसान करते हो। तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है इस घर में, सब ठीक तो है? जिस लड़की को उसके घर में कोई ऊंची आवाज में तक नहीं बोलता था, उस लड़की को ससुराल में गालियां तक सुनने को मिल रही है। फोन क्यों कर रही हो बार बार, बोला ना एक बार बिजी हूँ। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है, मेरी आदत खराब है। जो लोग मुझे बार बार हर्ट करते हैं ना, मैं बार बार उन्हीं लोगों के पास जाती हूँ। तू सब जानदा है, मैं छट नहीं सकती। पलट के जवाब दोगी ना तो कोई तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। मैं मानती हूँ पलट कर जवाब देना गलत बात है, लेकिन अगर लोगों की चुपचाप से सुनते रहो तो लोग अपने बोलने की हदें भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि औरत को अपने घर की बात घर में ही रखनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर औरत ने अपने घर की बात पूरी दुनिया में कह दी तो उसके घर वाले दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरी बात पर अब कौन यकीन करेगा? मैं ही पागल थी, सबको अपने घर की बुराइयां छुपाकर सिर्फ अच्छाइयां गिनाया करती थी। काश सबको सच बताया होता तो आज सबको असलियत मालूम होती।